हर घर तिरंगा अभियान के पीएम मोदी के सपने को साकार करने में जुटी सीआरपीएफ 93 बटालियन प्रयागराज एवं प्रेम रोज शिक्षा संस्थान के साथ स्टार वेलफेयर सोसाइटी। हर घर तिरंगा जागरूकता अभियान का आयोजन न्यू स्टार डेयरी खुल्दाबाद चौराहा प्रयागराज में किया गया। खुल्दाबाद चौराहे से होते हुए रोशन बाग, गुरुद्वारा, सब्जी मंडी में रैली निकाल करके आने जाने वाले राहगीरों के साथ लोगों को जागरूक किया गया और झंडों का वितरण बड़ी संख्या में किया गया। आज़ादी का अमृत महोत्सव स्वतंत्रता के 75वीं वर्षगांठ पे पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार के आह्वान पे हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत 13 से 15 अगस्त सभी घरों के ऊपर तिरंगा फहराने का कार्यक्रम है। मैं सीआरपीएफ से 93 वाहिनी हमारे कमांडेंट महोदय के मार्गदर्शन में प्रयागराज में हमारी जो कंपनियां हैं, जो हाईकोर्ट की सुरक्षा में तैनात हैं, हम सभी ने भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। साथ ही आम जनता सभी लोगों के साथ मिलकर कदम से कदम मिलाकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। जय हिंद। लोगों को क्या संदेश देंगे झंडा वितरण के माध्यम से? ये एक पर्व है, ये एक त्यौहार है, ये एक सुनहरा अवसर है, जिसमें जाति धर्म मनहज मजहब सभी तमाम द्वेष विद्वेषों को भूलकर कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधे मिलाकर, सभी वैमनस्यताओं को भूलकर देश की आज़ादी और इसकी 75वीं स्वतंत्रता के वर्षगांठ को मनाने में सभी एक साथ मिलकर और हर्षोल्लास के साथ जय भारत का नारा लगाते हुए आज़ाद भारत के जो गांधी जी का सपना था उसको देखते हुए हमको उसको आगे सफल बनाने का प्रयास करें। कुमार सौरभ सेकंड इन कमांड, अजय कुमार सहायक कमांडेंट सीआरपीएफ 93 बटालियन के नेतृत्व में कार्यक्रम का आयोजन एवं संचालन संस्था के प्रबंधक फरहान आलम, आबिद चौधरी, सीआरपीएफ के इंस्पेक्टर राजेश कुमार शर्मा के साथ सीआरपीएफ के जवानों की मौजूदगी में किया गया। बस ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर जिसकी हिफाजत की शहीदों ने, उस देश के तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना। जय हिंद, जय भारत। 93 बटालियन के कमांडेंट जनाब कुमार सौरभ सर, यहाँ मौजूद असिस्टेंट कमांडेंट सर के नेतृत्व में इस कार्यक्रम का आगाज़ हुआ है और इस उम्मीद के साथ हुआ है कि हम इस मुहिम से हर घर तिरंगा लहराएंगे। प्रीम रोज शिक्षा संस्थान एवं सीआरपीएफ न्यू स्टार वेलफेयर सोसाइटी के तत्वाधान में ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ है और आज़ादी के अमृत महोत्सव को मनाते हुए और सरकार की प्रशंसा करते हुए कि सरकार की ये गाइडलाइन वाकई में काबिले तारीफ है, कि इस बार ऐसा लग रहा है कि सच में 15 अगस्त आने वाला है, आज़ादी का दिन आने वाला है और हर घर में झंडा दिखेगा और आम जनमानस में भी बहुत उत्साह है कि हर घर में झंडा दिख रहा है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर राह चलते लोगों को देखेंगे तो अभी से लोगों ने अपने घरों में झंडा लगा लिया है। निश्चित तौर पे जो सीआरपीएफ की जो मुहिम है, हमारे कमांडेंट साहब की, असिस्टेंट कमांडेंट साहब की, समस्त सीआरपीएफ, प्रीम रोज शिक्षा संस्थान, स्टार वेलफेयर सोसाइटी और तमाम सामाजिक संगठनों की जो मुहिम है, वाकई में वो रंग ला रही है और हम उम्मीद करते हैं, आपको विश्वास दिलाते हैं मीडिया के माध्यम से कि हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि इस बार आज़ादी का अमृत महोत्सव इस तरीके से बनेगा कि ये देश में एक इतिहास होगा और हर घर में झंडा दिखेगा। देश की आज़ादी का अमृत महोत्सव को जोश और उत्साह से मनाए जाने के संदर्भ में आम जन मानस को हर घर तिरंगा फहराने के लिए झंडा देकर जागरूक करने का काम करते नजर आए सीआरपीएफ के अधिकारी जवान और प्रेम रोज शिक्षा संस्थान के वॉलंटियर्स। कुमार सौरभ सेकंड इन कमांड ने अपने हाथों से फल और सब्जी दुकानदारों के हाथों में एक एक झंडा देकर हर घर तिरंगा अभियान के तहत लोगों को जागरूक किया गया। देश की 75 इयर्स हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, 13 से 15 तारीख तक में हर घर में तिरंगा हो, इसके लिए सरकार ने जो कदम उठाए हैं हम उनको इस आपके माध्यम से बधाई देना चाहते हैं कि कम से कम लोगों के दिलों में जज्बात पैदा किए गए, लोगों के दिल में उत्साह पैदा किया गया। ऐसा नहीं है कि तिरंगा फहरा नहीं गया, तिरंगा खूब फहराया गया, हमेशा फहराया गया, लेकिन इस बार तिरंगा फहराने के लिए जो मुहिम चलाई गई है, ये मुहिम के लिए सरकार जो है बधाई के पात्र हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और फिर जब ऐसे मौके पर वे लोग जो आज हमारे संग में यहाँ खड़े हुए हैं, ये जवान जिन्होंने देश की सुरक्षा में, इंटरनल सुरक्षा, बाहरी सुरक्षा, सभी सुरक्षा में बहुत ही अहम महत्वपूर्ण रोल अदा की हों, आज उनके दिल में भी ये जज्बा पैदा हुआ है
कि हम जनता के बीच में, चूँकि जनता के नुमाइंदे हैं, हम भी नेता लोग हैं, विधायकगण हैं, पार्लियामेंट हैं, मंत्री लोग हैं, तो जनता के नुमाइंदे ये भी हैं, ये भी जनता के लिए काम किए जाते हैं, इनको इसी बात की ट्रेनिंग दी जाती है। तो आज हमारे बीच में जब ये आए हैं तो इसमें कोई शक नहीं कि हमारा जो है सीना चौड़ा हुआ है। एक बात, घर घर तिरंगा रहे ये चाहत किसकी नहीं हो सकती है, किस भारतीय की नहीं हो सकती है, और जिसके दिल में चाहत नहीं पैदा हुई उसको मैं भारतीय मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो अगर एक बात, हाँ, ब्रिज रोड शिक्षा संस्थान का कितना धन्यवाद देंगे, सीआरपीएफ के जवानों को कितना धन्यवाद देंगे? धन्यवाद तो मैंने दे दिया कि आज हमारा इतिहास चौराहा ऐतिहासिक हो गया। हम लोग हमेशा भाषणों में कहा करते थे कि चौराहा ऐतिहासिक है, आज इसमें चार चांद लग गया। जब ऐसे ऐसे हमारे बहुत से स्टार, बहुत से मून और बहुत से अधिकारी और सीआरपीएफ के लोग खास करके आज इन्होंने इस चौराहे को ऐतिहासिक बना दिया। मैंने इस बात को अभी अपने संबोधन में कहा कि इस चौराहे पर अब आगे से जब भी कोई सेलिब्रेशन हुआ, क्योंकि अभी 15 अगस्त का सेलिब्रेशन यहाँ होना है, झंडारोहण होना है, उसमें भी मेरे को रहना है, आगे भी जितनी ज़िंदगी ये रहना है, अपनी नस्लों को सहेज के मैं जा रहा हूँ कि आप लोग भी झंडारोहण का जब कार्यक्रम हो तो सारे लोगों की फ़ोटो को यहाँ लगाओ। एक बात, दूसरी बात ये संदेश देखिए भाई, एकदम स्पष्ट है, जिन्होंने अपने घर झंडा नहीं लगाया वे उनको मैं भारतीय मानने को तैयार नहीं होने पाऊँगा। आपको सबको लगाना चाहिए, जज्बात इंसान की अच्छी बात है, दल अच्छी बात है, जात मजहब सब अच्छी बात है, लेकिन इकट्ठा होना सबसे बड़ी बात है और सबको इकट्ठा रहना चाहिए। एक चीज़ अभी आपने देखा होगा, थोड़ी देर पहले एक मुहर्रम का जुलूस इधर से गया हुआ, हमने झंडा घर घर झंडे की बात करी है, एक एक झंडा मैं सबको घर घर देने रास्ते में देने जा रहा था, लेकिन जिस प्रकार से वो लड़के लोग जब वो मुहर्रम के जुलूस में आके जब झंडा वो मांग रहे थे और झंडा ले रहे थे कि हमको भी एक झंडा, हमको भी एक झंडा, तो उससे क्या लग रहा था, उससे लग रहा था कि भावना को थोड़ा सा उसकाने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि घर घर झंडा छोड़ दीजिए, हर दरवाजे खिड़की झंडा लग जाएगा।